यूक्रेन से, चाइना से, ताइवान से, सब इसमें भरा रहता है, कोई उसकी बात ही नहीं करता। उड़ीसा एक ऐसा प्रदेश है जो उसकी बात करता है। यह सौभाग्य है उत्कल प्रदेश का, उत्कल जननी का, कि हम सब उसकी बात करते हैं। सर्व गुह्यतम हुए श्रु ले परम वचन, परम भगवान कृष्ण जगन्नाथ कहते हैं अर्जुन को, अरे तू कलीव है, नपुंसक है, तुझे कुछ समझ में नहीं आया, मेरे से फिर सुन ले गहराई से, मैं तुझे बताना चाहता हूं। मन मना भव मद भक्तो मदयादि माम नमस्कार, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब बातों को छोड़ दिया, तू मेरे पास, तू मेरा बन। मुझे नहीं लगता आज तक हिंदुस्तान ने, पूरे विश्व की कोई यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ बताती है। टेक्नोलॉजी करिए, कौन मना करता है, कैसे खिलौने बनाएंगे, वही जो मिसाइल और बॉम्ब्स यूक्रेन को तबाह किए वैसे ही खिलौने बनाने वाले हैं ना, कैसे खिलौने बनाने वाले हैं, किस प्रकार के खिलौने बनाने वाले हैं लोग, क्या पढ़ने वाले हैं लोग। अच्छा जरा बताइए, समझ में आ जाएगा, क्या जीरो के हिस्से किए जा सकते हैं, क्या जीरो को तोड़ा जा सकता है, कौन बताए, कोई बच्चा बता सकता है, क्या जीरो के हिस्से किए जा सकते हैं, जीरो के। मैं प्रभु जगन्नाथ का बच्चा, तो फिर जगन्नाथ क्या है, और मेरा कौन सा देश है, मेरा कौन सा प्रदेश है। अभी हमारे सौम्य रंजन जी बता रहे थे, अंडा खिलाते हैं, मिड डे मील खिलाते हैं, अच्छा स्कूल देते हैं, टीचर देते हैं, ये सब 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 कितना गिना है, क्या दिया है, कमाल कर दिया है। और हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे कौन सा स्मार्ट स्कूल बन गया, कि 5G बन गया, कि कौन सा बना है, वो बन गया है, 60 बनेगा, 70 बनेगा, 80 बनेगा, कौन सा स्कूल बनेगा, कोई कोई नहीं बोलेगा, कौन बोल रहा है भाई, ले लो जिसको 1,00,000 रुपया लेना है। समय, हाँ बोलो सर। जगन्नाथ ही परम ब्रह्म है, हम उनके ही अवतार हैं। कौन सा देश है तुम्हारा, जगन्नाथ का, जगन्नाथ के बच्चे हो तो तुम कहाँ रहते हो, कौन सा देश है तुम्हारा, जगन्नाथ के देश है, जगन्नाथ के देश में है उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद जगन्नाथ नहीं है, जगन्नाथ तो हर जगह है, तो फिर तुम उड़ीसा क्यों कहते हो, तुम्हारा प्रदेश फिर उड़ीसा कहां से हुआ, तुम्हारा जन्म उड़ीसा में हुआ है, तुम्हारा प्रदेश तो उड़ीसा नहीं हुआ फिर। Therefore, the Prime Honorable Prime Minister of India has introduced NDP. हाँ बोलो। जगन्नाथ जी ही हमारे पूरे देश और प्रदेश है, पूरे वो ही हमारे पूरे देश और प्रदेश है, यानी हम उनके अंदर ही समाये हुए हैं, वो ही हमारे देश है, वही हमारे प्रदेश है, उनके सिवा और सब कुछ झूठ है, ये पूरा संसार झूठ है, वो ही अकेले सत्य है। क्या बात है, ब्यूटीफुल। अच्छा अभी जरा थोड़ा थोड़ा बताइए, ये तो तुमने अच्छा बताया भाई, माता पिता से इजाजत ले ली ना ऐसा बताने के लिए, बहुत अच्छा बताया, लेकिन ये जगन्नाथ किधर रहता है, ये तो तुमने ठीक बताया। खैर तुम्हारा 1,00,000 रुपया पक्का है, अपना फोन नंबर और वो सब बता देना टीचर को, हम भेजेंगे अप्रैल में, तुम्हारे बैंक में आ जाएगा। ताली ताली दे, कुछ तो बोले तुम। चलिए बताइए सर, एक बार आपके मैं चरण स्पर्श करने के लिए चाहता हूँ। मैं तुम्हारे करूँगा कि तुम मेरे करोगे, मैं आपका। अब तुम जगन्नाथ के बच्चे हो तो मैं तो ऐसे ही हूँ, छोटा सा राज्यपाल, राज्य का बालक, तुम जगन्नाथ के बच्चे हो, या मुख्यमंत्री का कोई बच्चा हो,
सौभाग्य से ना प्रधानमंत्री का ना मुख्यमंत्री का इच्छा है। सर मुझे आपके चरण को स्पर्श करने का बहुत ही, मेरे पास आ जाना, मैं फोटो खिंचाऊंगा तुम्हारे साथ। आ जाओ मेरे पास, इधर आओ। और जगन्नाथ की संतान हैं तो फिर आपका देश और आपका शहर और आपका प्रदेश कौन सा है? मेरी पूरी टोटल एजुकेशन यही है। मैं अगर प्रभु जगन्नाथ का चाइल्ड हूं, बच्चा हूं, तो फिर मेरा देश कौन सा, मेरा शहर कौन सा, कोई बता सकता है बच्चा खड़ा होके कि हां मैं प्रभु जगन्नाथ का बच्चा, मेरी मुस्कान स्माइल टेंडरनेस ऑफ द आस्पेक्ट ऑफ द डिवाइन स्पार्कल इन द आईज इज दैट ऑफ प्रभु जगन्नाथ। मेरी आंखों की चमक प्रभु जगन्नाथ की है, मेरे अधरों की मुस्कान प्रभु जगन्नाथ की है, क्योंकि मैं जगन्नाथ के द्वारा भेजा गया हूं, जगन्नाथ का बच्चा हूं। तो फिर जगन्नाथ का बच्चा हूं तो फिर मेरा देश कौन सा, मेरा प्रदेश कौन सा, कहां का हूं मैं? कौन बच्चा बताएगा? 1 लाख रुपीज ना, 1 लाख रुपए का ही ना, कार्डलेस है उधर कहीं किसी के पास? कार्डलेस है, फोन है किसी के पास, मोबाइल है उधर दीजिएगा, कोई बच्चा बता सकता है? निसंकोच बताइए, फिर मेरा देश कौन सा, प्रदेश कौन सा? किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं आप। और जगन्नाथ हैं तो फिर उसको समझाऊं कैसे दुनिया को मैं कि जगन्नाथ क्या होता है? कोई बताएगा भाई? गलत बताने का भी आनंद होता है। कोई मीठे आम खाने से अच्छा नहीं होता, जरा खट्टा भी खाना पड़ता है। कोई नहीं बताएगा। दरअसल में जितना बड़ा लोग सामने बैठा है ना, ये दाएं बाएं बैठना चाहिए। हम आगे कुर्सी कितना लाए, हम तो उधर आना चाहते थे, बच्चों के बीच में बैठना चाहते थे, हमको 1 किलोमीटर दूर कर दिया आपने। ना टीचर से बात करें, ना बच्चों से बात करें। हीरक जयंती आप मना रहे हैं, बच्चे मना रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। फिर भी हम पड़े रहते हैं पीछे, अडानी के अंबानी के, एलन मस्क के, जेफ बेजोस के, माइक जकरबर्ग के, बिल गेट्स के, ऐसा पीछे पड़े रहते हैं। क्या है ये? तो साइंस बता रहा है, जिसको 7 प्लैनेट से ज्यादा का भी जानकारी नहीं है और मून के बारे में भी बिल्कुल अभी कम जानकारी। जगन्नाथ रहते हैं इनफिनिटली मैनी लिमिटलेस होराइजंस, इनफिनिटली मैनी रियलम्स, इनफिनिटली मैनी यूनिवर्सेस, मेटावर्स, मल्टीवर्स, अल्ट्रावर्स, कितने ब्रह्मांड। उसका नायक है जगन्नाथ और मैं उसका बालक। तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि मैं क्या हूं। इसलिए किसी फिलोसफर ने कहा कि मैं इस पृथ्वी को एक कड़े के समान, बैंगल के समान इधर घुमाता रहता हूं मेरी रिस्ट पर। बच्चे मेरी बात को नोट कर रहे हैं कि ये हमारा जो प्लैनेट है पृथ्वी, ये एक लड़की की चूड़ी, बेंगल, छोटा सा कड़ा, वो मेरी इस रिस्ट पर यहां है, जिसे घड़ी इसे घुमाता रहता हूं पृथ्वी को मैं। ये मेरी ताकत है। अब आप अंदाजा लगाइए, जो नेता लोग बोलते भी थे,